हेलो 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 फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय अमेजिंग सा प्यारा सा चैनल फिजिक्स यूनिवर्स। आई होप यू आर ऑल फाइन एट योर होम एंड वी आर एंजॉइंग दिस ऑनलाइन लेक्चर्स। सो गाइस, टुडेज अवर टॉपिक इज नेचर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। तो बेसिकली अर्लियर वी डिस्कस अबाउट दिस वेव्स आर मेड अप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एज वेल एज मैग्नेटिक फील्ड। So how these fields are formed? So here I am drawing one Cartesian coordinate system. Okay, so this one is x, this is y, and this is z. So here electromagnetic waves का जो electric field है वो zero से start करेगा और उसके जो oscillations है वो ey direction में, but उसका जो propagation है वो x direction में है. Okay. Now, दूसरा ये अपने बात की इलेक्ट्रिक फील्ड की, ओके, विच इज प्रोपेगेटिंग इन एक्स डायरेक्शन। सिमिलरली मैग्नेटिक फील्ड भी प्रोपेगेट करेगा एक्स डायरेक्शन में। सो ये प्रोपेगेट कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, यस। सो दिस इज अवर ई एंड दिस इज अवर बी। तो अगर इनके जो कंपोनेंट्स की बात की जाए तो एक का जो ऑसिलेशन है वो वाई डायरेक्शन में और दूसरे का ऑसिलेशन जेड डायरेक्शन में, दोनों का प्रोपेगेशन सेम डायरेक्शन में एक्स डायरेक्शन। तो ऑसिलेशन के डायरेक्शन से हमें पता चलेगा, यस, सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिक फील्ड इन वाई डायरेक्शन एंड फॉर्मूला इज ई जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। अगर मुझे मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्मूला लिखनी हो तो मैग्नेटिक फील्ड फॉर्मूला, देयर ऑसिलेशन आर इन जेड डायरेक्शन, सो बी जेड इज इक्वल टू बी जीरो साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। सो दिस इज हाउ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोपेगेट। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव प्रोपेगेट इन एक्स डायरेक्शन, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑसिलेशन आर इन वाई डायरेक्शन एंड मैग्नेटिक फील्ड ऑसिलेशन आर इन जेड डायरेक्शन। ओके, सो इन दिस फॉर्मूला ओमेगा, अगर ओमेगा की बात की जाए तो फॉर्मूला ऑफ ओमेगा इन रिलेशन ऑफ फ्रीक्वेंसी, सो दैट इज 2 पाई न्यू, के के इज वेव वेक्टर एंड इट्स फॉर्मूला इज 2 पाई अपॉन लैम्डा। हियर वी नो दैट द ओमेगा बाय के इज नथिंग बट स्पीड ऑफ लाइट, सो हियर ओमेगा सब्जेक्ट के इनटू सी एंड नाउ पुटिंग ऑल द वैल्यूज ओमेगा हियर, omega is 2 pi nu, so here I have to write 2 pi nu is equal to k, k is 2 pi upon lambda into c, 2 pi will be cancelled out, so now we are left with c is equal to nu lambda. So this is one relation. What is nu? Nu is our frequency, and what is lambda? Lambda is our wavelength of our electromagnetic wave. Okay, so this is c is equal to nu lambda. Okay, ab सी की दूसरी फॉर्मूला हमने वो डिराइव की हुई है, कौन सी फॉर्मूला है? अंडर रूट म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो। नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज म्यू जीरो एप्सिलॉन जीरो? म्यू जीरो इज परमीएबिलिटी इन वैक्यूम एंड एप्सिलॉन जीरो इज परमिटिविटी इन वैक्यूम, सो वी गेट हियर सी, बट दिस इज फॉर ओनली व्हेन एवर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोपेगेटिंग थ्रू अ वैक्यूम मीडियम। But if we have some medium and electromagnetic waves are passing through that medium, then this formula is changing in V and now we are left with mu and epsilon. So what is mu? Mu is the permeability of that medium and epsilon is permittivity of that medium. So this is how we can find V formula. Okay. So nature of electromagnetic waves mein, अगर उसके दूसरे नेचर्स की बात की जाए, सो दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इज़ नथिंग बट वन फॉर्म ऑफ एनर्जी। जैसे कि हम लोग अगर सन की बात करें, हम लोग सन के जो धूप है, अगर हम लोग उसमें सिर्फ हाथ ले जाए तो थोड़े टाइम के बाद हमारा जो हाथ है वो हीट फील करेगा। दैट मीन्स सन एमिट्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ हीट, और वी कैन से दैट हीट के फॉर्म में भी वो एमिट कर रहा है और लाइट के फॉर्म में भी वो एमिट कर रहा है।
सो दैट इज वन टाइप ऑफ एनर्जी। ओके सो ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है उसमें इलेक्ट्रिकल एनर्जी कितनी है? सो अगर उसकी बात की जाए, सो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसको मैं यू से डिनोट करूँगा। सो यू इज इक्वल टू हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वायर। सो दिस इज अवर इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ये जो वेव्स है उसकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वैसे ही उसकी मैग्नेटिकल एनर्जी भी होगी एंड दैट इज म्यू जीरो। सॉरी हियर बी स्क्वेयर अपॉन टू म्यू जीरो। व्हाट इज बी? बी इज हियर मैग्नेटिक फील्ड। सो टोटल एनर्जी इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव दैट इज यू इज इक्वल टू यू ई प्लस यू बी। सो हाफ एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर अपॉन टू म्यू जीरो। सो दैट इज हाउ वी कैन फाइंड दिस टोटल अमाउंट ऑफ एनर्जी इन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। ओके आफ्टर दैट हियर ई बाय बी इज नथिंग बट सी। ई बाय बी की फॉर्मूला इज इक्वल टू सी है। सी की दूसरी भी फॉर्मूला है, कहाँ गई? हाँ यहाँ पे, यस दो फॉर्मूला है सी के अकॉर्डिंग। ओके अब यहाँ पर मुझे क्या करना है? तो सपोज के मुझे ई को सब्जेक्ट बनाना है, यहाँ पर ई को मैं सब्जेक्ट बना दूँ तो ई इज इक्वल टू सी इंटू बी हो जाएगा। ओके क्लियर। तो बाय पुटिंग दिस फॉर्मूला हियर सो आई गेट 1/2 एप्साइलॉन जीरो, उसको एज इट इज रखते हैं, और ई स्क्वेयर है तो यहाँ पर मुझे लिखना पड़ेगा सी स्क्वेयर बी स्क्वेयर। बी स्क्वेयर अपॉन टू म्यू जीरो एज इट इज। ओके सो 1/2 एप्साइलॉन जीरो सी स्क्वेयर, अगर इसका स्क्वेयर करके लिखूँ तो आई गेट 1/μ0 एप्सिलॉन जीरो इंटू बी स्क्वेयर। एप्सिलॉन जीरो विल बी कैंसल आउट, सो बी स्क्वेयर अपॉन टू म्यू जीरो। सो देखिए दोनों ही टर्म सेम हो गए, सो आई कैन राइट टोटल यू इज इक्वल टू बी स्क्वेयर अपॉन म्यू जीरो। तो जब कभी भी दोनों एनर्जी सेम होगी, दोनों ही मैग्नेट के कारण जो एनर्जी मिल रही है अगर वही एनर्जी होगी सो वी गेट दिस फॉर्मूला। सिमिलर अगर चीज़ें उल्टी कर दे, बी को सब्जेक्ट बनाओ फिर सी अंदर रखो सो वी ऑल्सो गेट हियर डबल एप्सिलॉन जीरो ई स्क्वेयर। सो दिस इज हाउ वी कैन फाइंड टोटल एनर्जी इन द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। सो दैट्स इट फॉर टुडे गाइस, थैंक यू सो मच फॉर व्यूइंग माई वीडियो लेक्चर टिल द एंड, दैट मीन्स अ लॉट टू मी। प्लीज़ लाइक माई वीडियोज़ एंड सब्सक्राइब माई चैनल।